हरी ओम बच्चों, हाउ आर यू ऑल? हाउ योर वैकेशंस आर गोइंग ऑन? एंड आई एम हियर टुडे फॉर मेकिंग अ वीडियो बिकॉज यू मेनी ऑफ यू हैव डाउट्स दैट हाउ टू डू होमवर्क योर समर असाइनमेंट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स. यू हैव टू गिव अटेंशन. सो हाउ टू डू, सी, first of all I am opening the homework given for classes 3 to 7. So you can see here the first point of the homework, fill the daily 10 resolution checklist. isme aapko kya karna hai, isme main wapas aa rahi hu aur yahan par main khol rahi hu ye checklist. you can see ye maine checklist kholi hai aur isme aap dekh sakte hain yahan par diya hua hai डेली रूटीन और यहाँ पर डेट दी हुई है 1 to 16. ओके, और नीचे दिया हुआ है 17 to 31. यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें जो गुरुकुल से सीखी हैं, जैसे कि सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, या भोजन के पहले भगवान का ध्यान करके श्लोक पढ़ के मंत्र पढ़ के भोग लगा के भोजन करना चाहिए, या हमको रोज़ तुलसी के पत्ते खाने चाहिए रविवार, पूर्णिमा, अमावस्या और द्वादशी छोड़ कर के, या फिर हमको भोजन बहुत चबा चबा के करना चाहिए, ऐसे ढेरों स्वास्थ्य के लिए, आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्म के लिए, आपकी उन्नति के लिए बहुत सारे नियम आप लोगों ने सुने हैं, सीखे हैं. उसमें से कोई भी 10 नियम ले लेना है, बहुत सरल सरल से नियम, जैसे कि श्वास श्वास की गिनती का ले सकते हैं, 10 माला का जाप का ले सकते हैं. अगर आपके पास माला नहीं है, आपके पास गुरु मंत्र नहीं है, तो आप एक राम नाम लेखन पुस्तिका ले लीजिए, या आप एक कॉपी ले लीजिए और उसमें एक पेज डेली आपको राम 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 ऐसा लिख करके भरना है. या जैसे कि आप मोबाइल 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलाएंगे, या फिर जैसे कि आप डेली एक फ़िक्स टाइम बना लीजिए जिसमें हमको पढ़ाई करने के लिए बैठना ही है, ऐसे कुछ भी अच्छे अच्छे से नियम आप लोगों को लेना है. कोई भी ऐसे 10 नियम आपको यहाँ पर फिल कर लेना है. और डेली जैसे 1 तारीख है, हमने कौन सा नियम अपना पूरा किया उसमें राइट टिक कर दिया, एंड सपोज़ हमारा कोई नियम उस तारीख को पूरा नहीं हो पाया है तो उसमें क्रॉस कर दिया. और जब आपका 1 दिन का फिल हो जाए तो फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना साइन करना है, अपनी माँ का साइन लेना है और अपने पिताजी से साइन करवाना है. और ये पूरा का पूरा जो चेकलिस्ट है बहुत ईमानदारी से करना है, ईमानदारी से भरना है. इसमें आपको मे मंथ का एंड देन जून मंथ का, ये दोनों ही दिया हुआ है, तो आपको ये पूरा ही फिल करना है. ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा. अब हम लोग वापस चलते हैं. तो वापस हम आते हैं किस में, इसी में 3 to 7 वाले में. तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मेक अ ग्रीटिंग कार्ड बेस्ड ऑन मधुबनी, दैट इज़ द आर्ट वर्क ऑफ बिहार. तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि CBSE की तरफ से हम लोगों को, यानी MP के CBSE स्कूलों को बिहार कोलाब्रेशन स्टेट मिला हुआ है. तो हमको बिहार के बारे में जानना है, वहाँ का क्या कल्चर है, कैसी पॉलिटिक्स है, क्या उन लोगों के अचीवमेंट है, एवरीथिंग अबाउट बिहार. तो उसी में इनका जो आर्ट वर्क होता है उसको हम मधुबनी बोलते हैं. तो मधुबनी आपको आपकी ड्राइंग आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर मीन्स अनीता मैम ने सिखाया भी है, और आपको उसी मधुबनी आर्ट का के बेसिस पर ही आपको एक ग्रीटिंग कार्ड तैयार करना है, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा. आप इसमें यूट्यूब की मदद या गूगल क्रोम की मदद भी ले सकते हैं. ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ भी आपको क्लियर है. थर्ड पॉइंट है, सॉल्व द मैथ्स वर्कशीट शेयर्ड विथ यू. तो आपकी जो मैथ्स टीचर हैं शिखा मैम, आप उन्होंने आपके साथ में मैथ्स की वर्कशीट आपको व्हाट्सअप के थ्रू शेयर की है, तो वो आपको करना है. दिस होमवर्क आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर 3 to 7 क्लासेस. ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, एज यू नो दैट फ्रॉम CBSE बिहार इज द पेयरिंग स्टेट विथ MP, सो यू हैव टू मेक योर डॉक्यूमेंट आइदर इन हैंड रिटन A4 साइज पेपर और थ्रो कैनवा ऐप ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, 1 इन हिंदी एंड अदर इन इंग्लिश. अब आपका जो ये फोर्थ होमवर्क है, दिस इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आपको क्या करना है, A4 साइज़ का एक प्लेन शीट लेना है, उसको बहुत सुंदर तरीके से उसका बॉर्डर डेकोरेट करना है. और आप यहाँ पर जो नीचे दिए हुए 12 पॉइंट्स हैं, 12 में से कोई भी
दो पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी दो टॉपिक आप सेलेक्ट कीजिए और उसमें से दो टॉपिक ऐसे हों जिसमें से एक आपको हिंदी में बनाना है जो कि हिंदी टीचर को सबमिट होगा और एक आपको इंग्लिश में बनाना है जो कि आपके इंग्लिश असाइनमेंट के रूप में देखा जाएगा। तो इसमें से कोई भी दो ऐसे टॉपिक आपको सेलेक्ट करने हैं, नेट में सर्च करना है। कोई ज़रूरी नहीं है नेट में सर्च करना, आप अपने घर के बड़े लोगों से भी पूछ सकते हैं उसके बारे में, आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो बिहार को बिलोंग करने वाले पीपल हैं उनसे मिल करके भी बात कर सकते हैं। और आपको इनमें से कोई भी दो टॉपिक अपनी मनमर्जी के, अपने मन से आपकी पसंद के कोई भी दो टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है और उसका एक डॉक्यूमेंट हैंड रिटन तैयार करना है। अगर आप सोचते हो कि नहीं हैंड रिटन मुझे नहीं बनाना है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है या मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो एक दूसरा तरीका भी है, कैनवा ऐप आता है। आप यहाँ पर दिख रहा है आपको कैनवा CANVA, इसको अगर आप सर्च करेंगे तो ये कैनवा ऐप है, कैनवा की वेबसाइट है। आप अगर PC पे काम कर रहे हैं तो कैनवा वेबसाइट खोल लीजिए, अगर आप अपने मोबाइल पर काम कर रहे हैं तो कैनवा ऐप आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं और उसमें आप बड़े आराम से बहुत प्यारे प्यारे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। पर फिलहाल हमको यहाँ पर जो आपका होमवर्क चाहिए वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में चाहिए है, तो आपको ये बनाना है। कैनवा को कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो शेयर करूँगी। अब यहाँ पे टॉपिक क्या क्या है, जैसे कि पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, जियोग्राफी ऑफ बिहार, पॉपुलर फूड आइटम एंड इट्स रेसिपी, देन द ग्रेट लीडर्स, पोएट्स, सेंट्स, इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी ऑफ बिहार एंड देयर लाइफ स्केच, इनमें से चारों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। आर्ट वर्क यानी मधुबनी ऑफ बिहार, फेस्टिवल ऑफ बिहार, आपको पता होगा छठ वहाँ का एक मुख्य फेस्टिवल होता है, आप उसके बारे में लिखिए, उसके बारे में पिक्चर कलेक्ट कीजिए फ्रॉम द इंटरनेट और फ्रॉम एनीवेयर। देन सेल्फ मेड शॉर्ट स्किट इन भोजपुरी, यू नो दैट भोजपुरी इज़ द रीजनल लैंग्वेज ऑफ बिहार, तो भोजपुरी में आपको एक छोटा सा शॉर्ट स्किट यानी एक छोटा सा ड्रामा और उसका डायलॉग लिखना है। देन प्रिपेयर अ भोजपुरी भजन, बहुत प्यारे प्यारे भजन होते हैं भोजपुरी में, आपको कोई भी एक भजन तैयार करना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स और इसकी लिरिक्स भी लिखना है बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में। एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन कैनवा तो उसकी लिरिक्स आपको गूगल से कॉपी करके पेस्ट कर देना है। देन वॉट इज़ द डांस ऑफ बिहार, देन अचीवमेंट ऑफ बिहार, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन इंडियन इकोनॉमी एंड द लास्ट इज द भोजपुरी के कोई भी 10 वर्ड्स लेने हैं और उसकी हिंदी या इंग्लिश में या दोनों में उसकी मीनिंग लिखनी है। इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट। देन आप यहाँ पे लास्ट आप एक पॉइंट देख रहे हैं, नोट द बेस्ट डॉक्यूमेंट विल बी सेलेक्टेड फॉर मंथली ई मैगजीन, सो वेरी सून वी आर गोइंग टू पब्लिश एन ई मैगजीन फ्रॉम द गुरुकुल और उसमें जिन बच्चों का काम सबसे अच्छा होगा उनके वर्क का सिलेक्शन होगा और उसमें उसको प्रिंट किया जाएगा और उसको पब्लिश किया जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से सफिशियंट है आप लोगों को जो मैंने बताया 3 to 7 के बच्चों के लिए होमवर्क। देन हम लोग आ जाते हैं अभी यहाँ पर क्लास 8 and 9 के लिए। फॉर क्लास 8 and 9 एवरीथिंग इज़ सेम बट द डिफरेंस इज़ कि क्लास 8 and 9 के बच्चों का जो ये थर्ड वाला पॉइंट है ना, दैट इज़ डिफरेंट ओनली। और उसमें आपको क्या करना है, आपको एक फार्मूला शीट बनानी है ऑफ ऑल चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स, सेपरेट शीट फॉर सेपरेट चैप्टर्स। तो आपको A4 साइज़ के पेपर में ये सेपरेट शीट बनानी है, जैसे ही आपका चैप्टर चालू होगा क्लास में पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले वो शीट अपनी फाइल में से निकालना है और अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। इन दिस वे यू विल हैव all the formulas in one page in advance, okay? So in this way you have to make, and rest of the first, second and fourth point are all similar as it was in the class 3 to 7 that I have already explained. So I think you all got it what I explained here. And one more thing is here, what is that this is for class 10. So for class 10, what class 10th students have to do, everything is here also same, but the third point you can see that complete the practical notebook of maths and science. You have to complete your practical notebook, okay? And in फोर्थ पॉइंट यू कैन सी कि भक्ति काल के 4 कवियों के बारे में 20 पेज की एक सचित्र परियोजना तैयार कीजिए और इसके बारे में आपको आपके हिंदी टीचर जोशी मैडम ने बताया भी होगा। तो आपको भक्ति काल के कोई 4 कवियों के बारे में उनका एक सचित्र, उनकी
जीवनी लिखना है, उनके काम के बारे में लिखना है और कम से कम 20 पेज का ये असाइनमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है एज एन एविडेंस ऑफ इंटरनल असेसमेंट. रेस्ट जो 3 to 9 तक के बच्चों के लिए जो फोर्थ पॉइंट था, बिल्कुल वही का वही पॉइंट यहाँ पर आपको फिफ्थ दिया गया है. सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो मेकिंग. And if still there is any doubt, you can call me and you can call at Gurukul number, you can WhatsApp also. So, okay, Hari Om, enjoy your holidays aur acche se apna holiday aap celebrate kijiye. Thank you, Hari Om.